फ्यूरियोसा मैड मैक्स फ्यूरी रोड के प्रीक्वल स्टोरी लाइन को फॉलो करता है। ये फिल्म फोकस करता है वेस्टलैंड के नए एम्परर फ्यूरियोसा के लाइफ के ऊपर, उसका पास्ट लाइफ, वो कैसे एक कमजोर सर्वाइवर से एक बैडएस वॉरियर एम्पायरेटर फ्यूरियोसा बनती है और किस तरीके से वो इस वेस्टलैंड में अपने लिए एक पोजीशन को होल्ड करती है। ये वीडियो एक स्पॉइलर वीडियो है और इस वीडियो में हम लोग फाइंड आउट करने वाले हैं फ्यूरियोसा और मैड मैक्स सागा फिल्म से रिलेटेड कुछ हिडन डिटेल्स और ईस्टर एग्स जिन्हें देखते टाइम शायद आपने मिस कर दिया। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये फिल्म शुरू होता है एक रेडियो न्यूज से जहाँ पे डिस्ट्रॉयड सोसाइटी और रिसोर्सेज का खत्म होना एक्सप्लेन किया जाता है। वैसे ओरिजिनल सीरीज में इस चीज को नैरेट करता है मैक्स और फ्यूरी रोड जो 2015 में आया था उसके भी स्टोरी टेलिंग में इस एपोकलिप्टिक दुनिया को मैक्स ही एक्सप्लेन करता है। मैड मैक्स सीरीज अपने हर एक फिल्म के साथ इस दुनिया को, मतलब इस वेस्टलैंड को और भी ज्यादा डिस्ट्रॉयड बनाते जा रहा है, मतलब ये और भी ज्यादा अपोकलिप्टिक बनता जा रहा है। जहाँ पे पहले मैड मैक्स फिल्म में मैक्स का कैरेक्टर इस वेस्टलैंड का एक कॉप होता है और फिर इसके बाद जो दोनों फिल्में आते हैं उनमें ये वेस्टलैंड और भी ज्यादा अपोकलिप्टिक बनता जाता है। वहीं इसके सर्वाइवर्स को और भी ज्यादा ब्रूटल बनाया जाता है क्योंकि ऑब्वियसली दुनिया बदलेगा तो फिर इसमें रहने वाले लोग भी बदलेंगे। फ्यूरियोसा और मैक्स के बीच बहुत सारे सिमिलरिटीज हैं, जैसे कि ये दोनों ही अपने स्टोरी के स्टार्टिंग में एक ऐसे दुनिया में रहते हैं जहाँ पे शांति और समृद्धि, पीस और रिसोर्सेस दोनों ही होते हैं और फिर इन दोनों को ही खींचकर वेस्टलैंड पर लाया जाता है। वेस्टलैंड जो इन्हें अंदर से तोड़ देते हैं लेकिन आखिर में ये दोनों ही प्रूव कर देते हैं कि ये टूटने के लिए नहीं बने हैं। वो इस वेस्टलैंड के सबसे पावरफुल वॉरियर बनकर उस उम्मीद को लेकर चलते हैं जो ये सब शुरू होने से पहले हर एक इंसान के पास हुआ करता था और वो है इंसानियत। अपने स्टोरी के स्टार्टिंग में ही इन दोनों को किसी ना किसी से बदला चाहिए था लेकिन आखिर में ये दोनों ही रेवल फोर्स का हिस्सा बन जाते हैं। इस फिल्म का एंटायर स्टोरी तीन अलग अलग रिलीजियन के मिथोलॉजी स्टोरीज के ऊपर बेस्ड है, क्रिश्चियन मिथोलॉजी, नॉर्स मिथोलॉजी और ग्रीस मिथोलॉजी। सबसे पहले क्रिश्चियन मिथोलॉजी, ये तो हम सभी को पता है कि ईव जब फॉरबिडन ट्री से एक एप्पल तोड़कर खाती है तब उसके इसी गलती की वजह से एडम और ईव दोनों को ही गार्डन ऑफ ईडन से निकाला जाता है। फ्यूरियोसा भी एक एप्पल तोड़ती है और टेक्निकली यही सिन उसे उस ग्रीन प्लेस से वेस्टलैंड पर लाकर पटकती है। जैसे कि एडम और ईव अपने सिन की जैसे गार्डन ऑफ ईडन पर लौट नहीं पाते हैं, वैसे ही फ्यूरियोसा के लिए भी ग्रीन प्लेस पर जाने का सपना सपना ही रह जाता है। फ्यूरियोसा की सिस्टर का नाम होता है वैल्करी, जो नॉर्स मिथोलॉजी में वुमेन्स वॉरियर का एक ग्रुप होता है। ये नॉर्स गॉड्स के साथ कियोस के अगेंस्ट फाइट करते हैं। वैसे नॉर्स मिथोलॉजी के और भी रेफरेंसेस इस फिल्म सीरीज में देखने मिलते हैं, जैसे कि इमॉर्टन जो अपने सुसाइड फोर्स के एक मेंबर से वैलहेला ले जाने की बात करता है। नॉर्स मिथोलॉजी में वैलहेला स्वर्ग के जैसा एक दुनिया है लेकिन यहाँ पर सिर्फ डेड वॉरियर्स ही रहते हैं। मैड मैक्स फ्यूरी रोड में फ्यूरियोसा एक स्पीयर टाइप वेपन से इमॉर्टन जो को खत्म करती है। वो इस स्पीयर को जो के चेहरे में फंसा देती है और फिर इस चेन को कार्विल खींच लेता है जिससे इमॉर्टन जो का दी एंड हो जाता है। फ्यूरियोसा इस फिल्म में भी उन पैराशूट अटैकर्स के अगेंस्ट इसी सेम टेक्निक को यूज करती है। इस फिल्म में जब पहली बार डॉक्टर डेमेंटियस को दिखाया जाता है तब वो एक वाइट केप में नजर आता है जो इसके मोरालिटी को रिप्रेजेंट करता है। एक ऐसा कैरेक्टर जो फ्यूरियोसा को पसंद करता है क्योंकि उसने भी अपने फैमिली को खो दिया है और वो भी इस वेस्टलैंड का एक शिकार है। लेकिन धीरे धीरे डेमेंटियस ब्रूटल बनता जाता है। फिल्म में एक हिस्ट्री मैन को दिखाया गया है जिसने अपने शरीर में फेमस हिस्टोरिकल इवेंट्स को लिख कर रखा है टैटू के फॉर्म में। अब ये डेमेंटियस कोई अच्छा आदमी तो नहीं है लेकिन फिर भी वो फ्यूरियोसा को प्रोटेक्ट करता है। पर एक दिन जब उसके सामने इमॉर्टन जो का एक रेड सिग्नल बुलेट ब्लास्ट होता है तब उसे इमॉर्टन जो के क्रुएलिटी के बारे में पता चलता है और तब से वो और ज्यादा ब्रूटल बनते जाता है। और इस इवेंट के बाद उसके माइंड में अपने लोगों के लिए इज्जत और परवाह कम हो जाता है। उसके केप का कलर सफेद रंग से लाल हो जाता है, जैसे कि डेमेंटियस का मोटिव अभी अपने लोगों के प्रोटेक्शन को छोड़कर एक कॉन्करर बनना हो जाता है। लाल रंग का केप और तीन बाइक्स में सवार होना रोमन एम्परर का एक नॉड है। एक शॉट में हम लोग मैक्स को एक पहाड़ की चोटी पर अपने मसल कार के साथ स्पॉट कर सकते हैं। इस फिल्म में इस कैरेक्टर को प्ले करते हैं जेकब टोमोरी जो टॉम हार्डी के स्टंट डबल हैं। इस फिल्म में फ्यूरियोसा को अपोकलिप्स का फिफ्थ राइडर कहा जाता है जो एकदम आखिर में आती है। अपोकलिप्स के पास फोर हॉर्समैन होते हैं जिनका काम होता है दुनिया को खत्म करना, लेकिन जो पांचवा राइडर होता है वो होता है स्पिरिट ऑफ वेंजेंस जिसे कहा जाता है वेस्टलैंड का स्पिरिट, जो नए दुनिया को पुराने दुनिया से जोड़ कर रखती है। और इस फिल्म में फ्यूरियोसा को वो स्पिरिट कहा जाता है।
मैड मैक्स फ्यूरी रोड में जब फ्यूरियोसा जो को मारने वाली होती है तब वो उसे कहती है Remember me. और इस फिल्म में भी वो डिमांडियस को मारने से पहले उससे यही पूछती है Remember me. इस फिल्म के स्टोरी में जो तीसरे मिथ का झलक मिलता है वो है ग्रीक मिथोलॉजी। फिल्म के एकदम आखिर में दिखाया जाता है डेमेंटियस का वो ब्रूटल डेथ, मतलब डेथ नहीं, वो डेथ से भी ज्यादा ब्रूटल है। फ्यूरियोसा उसके अंदर एक एप्पल सीड को डाल देती है जिससे डेमेंटियस के अंदर से एक पेड़ उगता है। इस फिल्म में डेमेंटियस का कैरेक्टर प्रोमेथियस के जैसा होता है जो इंसानों को आग का तोहफा देता है और ज्यूस इसी रीजन से उसे पनिश करता है। वो प्रोमेथियस को एक पत्थर से बांध देता है और हर रोज एक गिरदाकर उसके मांस को नोच खाता है। फिर दिन गुजरता है और रात में उसका शरीर फिर से ठीक हो जाता है ताकि दूसरे दिन फिर से वो गिरदाकर अपना भूख मिटा सके। फिल्म में क्रिस हेम्सवर्थ का कैरेक्टर डेमेंटियस है प्रोमेथियस, जो इंसानों को आग देता है, मतलब वेस्ट लैंड को फ्यूरियोसा देता है। फ्यूरियोसा इधर पे आग भी है और वो गिर्द भी, क्योंकि वो डेमेंटियस के अंदर से जो पेड़ निकलता है वो उसके फल को खाती है और इमॉर्टन जो के वाइब्स को खिलाती भी है। और इस केस में इमॉर्टन जो है ज्यूस जो प्रोमेथियस को पनिश करता है, मतलब इस फिल्म में इमॉर्टन जो डेमेंटियस को और भी ज्यादा ब्रूटल बनने के लिए इंस्पायर करता है। और रियलिटी में ब्रूटैलिटी क्रुएलिटी ये सब पनिशमेंट ही तो है, और वैसे भी अगर कोई पावरफुल आदमी किसी कमजोर को टॉर्चर करता है तो फिर उस कमजोर को सहना ही पड़ेगा, लेकिन जो ऊपर में है वो एक ना एक दिन बदला तो जरूर लेगा। एंड दैट्स द वीडियो गाइस, वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड पीस आउट।